तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हैं जियो यूज़र तो आपके लिए भी आ चुकी है गुड न्यूज़। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आपको बताया था कि अगर आप लोग एक एयरटेल यूज़र हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है 5G को लेके। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक जियो यूज़र हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है 5G को लेके। फाइनली जियो ने अनाउंस कर दिया कि अपने 5G को कब रोल आउट करने वाले, यानी कि जियो का 5G कब लॉन्च होने वाला है। अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी है ऑफिशियली, और जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था ना, जो मैंने आपको हिंट दिया था, वही चीज़ें निकल के आई हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जियो 5G के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग एक एयरटेल यूज़र हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरी कल वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कब लॉन्च होगा एयरटेल का 5G, क्योंकि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी एयरटेल ने, तो कब वो लॉन्च होगा और क्या उसके लिए आपको 5G सिम अलग से खरीदनी पड़ेगी और उसके प्लान्स वगैरह, मतलब सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हैं एक जियो यूज़र तो ये वीडियो भी बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो बात करें अगर दोस्तों जियो की, तो जियो ने अनाउंसमेंट कर दी है। वो अनाउंसमेंट ये है कि 15 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 15 अगस्त को आपको देखने के लिए मिलेगा जियो का 5G, यानी कि जियो 5G को अपने लॉन्च कर देगी 15 अगस्त वाले दिन। तो काफ़ी कमाल की बात है, यानी कि 5G सर्विस आपको जियो की बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सीधी सीधी टक्कर होने वाली है जियो की और एयरटेल की, क्योंकि एयरटेल भी अगस्त के लास्ट तक उसने बोला है कि वो 5G को अपनी स्टार्ट कर देगी। तो दोनों में सीधी टक्कर है। और जैसे कि मैंने बताया था, VI की अगर आप यूज़र हैं मेरी तरह, तो भूल जाइए, VI को तो छोड़ दीजिए, पता नहीं कभी स्टार्ट होगी कब नहीं होगी। और सभी सर्कल्स में स्टार्ट हो जाए ना VI की सर्विसेज, वो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा, यानी कि VI की 5G सर्विसेज सभी सर्कल में शायद एक साथ स्टार्ट ना हो, एक साथ के स्टार्ट हो ही ना। अभी एक साथ तो देखिए कोई भी कंपनी शायद स्टार्ट ना कर पाए, हालांकि सबसे ज्यादा सर्कल्स में सर्विस अपनी देगी वो जियो देगी। अब जहां तक बात करती है जियो के 5G सिम की, क्या 5G सिम लेनी पड़ेगी, तो दोस्तों ऐसा तो कुछ अनाउंसमेंट जियो ने नहीं किया इसके बारे में, लेकिन हाँ, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है, आपको 5G सिम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में 5G इंटरनेट चला सकते हैं अपने 4G सिम में। और बात करें अगर प्लान्स की, तो प्लान्स तो अभी जियो ने भी रिवील नहीं किए हैं, प्लान्स रिवील होंगे जब जाके 5G लॉन्च हो जाएगा, तब इसके लिए रिवील होंगे। लेकिन हाँ, 4G से तो महंगे ही होने वाले हैं, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि सस्ते प्लान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जियो के जो 5G प्लान्स होंगे वो 4G से तो महंगे होने ही वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक काम की बात मैं ये बता दूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना और आपके पास 5G फोन नहीं है और आप 5G फोन लेने की सोच रहे हो, तो आपको मैं काम की बात अब बता देता हूँ, क्योंकि जब अब ऑक्शन पूरा हो चुका है 5G बैंड्स का, तो अब पता चल गया कि इंडिया में कौन कौन से बैंड्स पे 5G चलने वाला है। तो भाई, अब ऐसे बैंड्स की लिस्ट आ चुकी है जिन पे 5G फोन वर्क करते हैं। तो अगर आपके फोन में, अगर आपने 5G बाय कर लिया है, वो वाले बैंड्स नहीं है, तो आपके फोन में 5G नहीं चलेगा। आप 5G चाहे नेट भी डलवा लें, 5G सिम लगा लें, 5G रिचार्ज करा लें, तो आपके फोन में 5G नहीं चलेगा, अगर वो 5G बैंड्स नहीं है तो, जो कि इंडिया में सपोर्ट करती है कंपनीज। और अगर दोस्तों आपने अगर अभी तक 5G फोन नहीं खरीदा, सोच रहे हो कि भाई हाँ अब बाय करें क्योंकि अब 5G आने वाला है, फिर लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप अब 5G फोन लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूँ, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा ऐसे स्मार्टफोन जिनमें वो वाले बैंड्स हैं जो कि इंडिया में सपोर्ट करेंगे 5G को, यानी कि अगर आप 5G फोन लोगे ना तो उसमें 5G चलेगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप 5G फोन लोगे ना तो उसमें 5G चलेगा, यानी कि वो नाम का 5G नहीं, काम का 5G होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से बैंड्स वाले स्मार्टफोन अच्छे रहेंगे या फिर किन के अंदर 5G चलेगा इंडिया के अंदर, तो मैं एक लिस्ट बना के दे दूँगा, क्योंकि अब जिन लोगों ने पहले स्मार्टफोन खरीद लिया ना भाई 5G, और उनके अंदर ये वाले बैंड्स नहीं है, भाई सच्ची बता रहा हूँ, बाद में पक्का रोने वाले हैं। जब वो रिचार्ज कराएंगे ना 5G का, सिम भी डाल लेंगे, 5G वगैरह सब शो कर देगा, लेकिन चलेगा नहीं उसका नेट, नहीं चलेगा 5G, और चलेगा तो बहुत रो के चलेगा। रो से मतलब ये है कि 4G स्पीड उनको मिलेगी, और वो शायद ये सोचे कि भाई चलिए बढ़िया 5G चला, लेकिन स्पीड उनको 4G की मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर वो बैंड ही नहीं है, वो सपोर्ट ही नहीं है, तो वो चलाएगा कैसे 5G? 5G उसमें नहीं चलेगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, अगर आपने अभी तक 5G स्मार्टफोन बाय नहीं किया है ना, तो अच्छे से देख के लेना, 10 से 12 बैंड उसके अंदर होने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊं, तो सोच रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊं जिनके अंदर ये सारे बैंड्स हैं जो कि अवेलेबल होंगे 5G के लिए इंडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेज और सीखने के लिए मिला हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आपने 5G फोन अभी बाय कर लिया या फिर अभी बाय करेंगे, और अगर कर लिया है तो अपने फोन का नाम कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका 5G फोन है। और अगर आप सोच रहे हैं बाय करने की, तो वो भी कमेंट करना और मुझे कमेंट करके बता दो भाई आपको वीडियो चाहिए, तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस चीज़ पे कि कौन से फोन अच्छे रहेंगे 5G के आपके लिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।